वेलकम एवरीबॉडी। और अब हम नकल जॉइंट को सॉल्व करेंगे, एक और प्रॉब्लम। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम रहेगी नकल जॉइंट की। ये प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आपको इसमें टन्स में दिया हुआ है। तो समटाइम्स हम चूँकि हमेशा केजी में लेते हैं और टन्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट में डिफ़िकल्ट। तो चलिए देखते हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक नकल जॉइंट की डिज़ाइन कीजिए जो 10 टन, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये 10 टन आपको दिया हुआ है लोड। का अक्षीय भार स्थानांतरित करता है एवं कार्यशील प्रतिबल तनन अपरोपण एवं संपीड़न में क्रमशः 80, 65 और 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। इंग्लिश में हम इसको यदि पढ़ेंगे तो डिज़ाइन ए नकल जॉइंट हैविंग अ टेंशनिंग लोड ऑफ 10 टन एंड हैविंग सेफ स्ट्रेसेस एज फॉर टेंशनिंग इट इज़ 80 न्यूटन स्क्वायर, शीयर 65 न्यूटन स्क्वायर एंड क्रशिंग 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब गिवन तो इस प्रॉब्लम में ये मुख्य रूप से देखने की है कि ये टन्स जो होता है इसको हम किस तरीके से तो इसको देखने के लिए हम टन्स को देखते हैं बिकॉज टन्स इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कभी कभी बिकॉज वी ऑलवेज टॉक इन केजी। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख के रखा, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। देखिए पी दिया हुआ है, पी इज़ इक्वल टू 10 टन, पी इज़ इक्वल टू 10 टन दैट इज़ 10,000 केजी, 10 टन। इस टन को मैं और एक्सप्लेन करूँ भाई। देन एफ टी इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एफ एस इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एफ सी इज़ इक्वल टू 160 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। हमारे डिज़ाइन डेटा बुक से सिग्मा टी, टाउ और सिग्मा सी। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमको चाहिए हर चीज़ न्यूटन में। तो सबसे पहले देखते हैं एक केजी बराबर कितने न्यूटन्स होते हैं। एक केजी बराबर 9.80665 न्यूटन होता है, राइट। लेकिन जब हम एक केजी को अप्रॉक्सीमेट लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम इतना यदि नहीं याद पाए, 9.80 यदि आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप सीधे 10 टन लेके 1 केजी इज इक्वल टू 10 न्यूटन अज्यूम कर दीजिए। हियर यहाँ पर देखते हैं एक टन बराबर कितना होता है। एक टन बराबर होता है 1000 केजी। एक यूएस टन बराबर होता है 907.18 केजी एंड वन एम्पिरिकल टन इज इक्वल टू होता है 1016.05 केजी। तो हमको ये वाला टन कंसीडर करना और हमेशा याद रखना है बिकॉज इंडियन इसमें हम हमेशा 1000 केजी को ही टन कहते हैं। बट इट मे डिफर एज इन एम्पिरिकल टन ऑन यूएस टन। एम्पिरिकल टन 1016 होता है, थोड़ा 1000 से ज़्यादा, और यूएस टन जो होता है वो 1000 से कम, आपको ये ध्यान रखना है। देन हमारे जो पुराने प्रोसीजर के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 10 न्यूटन को हमने यहाँ पर रखा 1000 केजी में, तो ये आ गया आपका तकरीबन 10^5 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड हमारे डिज़ाइन डेटा बुक से। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया हूँ, हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में जो हमारा जो फर्स्ट पेज है, मैं खोलता हूँ उसको, यहाँ देखेंगे आप कि फर्स्ट पेज में भी हमको कोई कन्वर्सेशन दिया नहीं है टनेज और इसका, जैसे इज 1 lb² 1 kgf/cm डायल, यहाँ कहीं पर भी टन कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। सो ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो टन है ये हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में दिया नहीं है, इसलिए हमको इसको समझना ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली 1 kg इज इक्वल टू कितने न्यूटन है, ये भी यहाँ पर कन्वर्सेशन फैक्टर्स में दिया नहीं है। हम हमेशा की तरह अपने डिज़ाइन डेटा बुक के बैक पेज में भी चेक करते हैं। यहाँ पर भी देखिए मास दिया हुआ है
मास को हम चूँकि चेक कर रहे हैं 1 किलोग्राम, किलोग्राम एमकेएस में भी किलोग्राम रहता है, एसआई में भी सिस्टम में भी किलोग्राम रहता है, बट देर इज़ नो कन्वर्जेशन गिवन इन न्यूटन। तो ये हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई हम इसको कैसे चेंज करें। तो 9.80 यदि आप याद रखें तो आप या तो ये याद रखिए 9.80, और अदरवाइज सीधे 1 kg = 10 newton की ओर से इसको सॉल्व कर लीजिए। और 1 ton = 1000 kg, सो 10 ton = 10,000 kg, और 10,000 kg और 1 kg = 10 newton, सो 10,000 kg = 10^5 newton। ये हमारा फाइनल लोड पी दिया हुआ है। टाउ सिग्मा टी और सिग्मा सी रिस्पेक्टिवली 40, 80 और 160 दिया हुआ है। आइए अब आगे देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हम देखने की कोशिश करेंगे कैपिटल डी, विच इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द डिज़ाइन एज पर डिज़ाइन डेटा बुक। मैं डिज़ाइन डेटा बुक आपको ओपन करके बताता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन डेटा बुक में जो हमारा फेल्यूर्स, पहला फेल्यूर दिया हुआ है, डेट इज़ फर्स्ट फेल्यूर टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड, कैपिटल पी इज इक्वल टू पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। इसी को हमने सबसे पहले लिया है और ये मैंने फार्मूला यहाँ लिख लिया है, कैपिटल पी इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी का मान मैंने रख दिया है 80, पी का मान रख दिया है 10^5 और 100,000 तकरीबन, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 100,000 और पाई बाई 80। तो हमारा कैपिटल डी आफ्टर आया 39.89 को हम कहाँ से फाइनल करेंगे, हम शाफ्ट के डायमीटर्स को चेक करेंगे, पेज नंबर 70। तो आइए चेक करते हैं। यह हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट ले लिया 40 mm, और ये देखते हैं कि 40 mm हमारे मुझे हमें दिख रहा है कि नहीं, पेज नंबर 76 से। आई विल गिव यू द डेटा। ये देखिए पेज नंबर 77 है, शाफ्ट एंड कपलिंग। हमेशा की तरह हम यहाँ पर अपने शाफ्ट को देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे को 39 के बाद जो नेक्स्ट डायमीटर मिलता है, डेट इज़ 40, ये पैरेंथेसिस में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, तो दैट्स वाई वी हैड टेकन इट एज 40 mm। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, 40 mm हमको लेना है। 40 mm लेने के बाद हम अपना डायमीटर अब फाइनल कर चुके हैं, डेट इज़ 40 mm। नाउ हमेशा की तरह अब हम अपने एम्पेरिकल रिलेशंस को निकालेंगे। मुख्य एम्पेरिकल रिलेशंस हमारे कैपिटल D1, स्मॉल D1, कैपिटल B, स्मॉल A, और इसको निकालने के लिए हमने ये निकाल लिया 80 mm, 40 mm, 52 mm एंड 30 mm रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम लोग को टोटल 11 पैरामीटर्स निकालने हैं, तो 11 में से 4 हमने निकाल लिए, 4 में से अब हमारे 7 जो मुख्य रूप से बाकी हैं, दैट इज़ R1, R2, L1, L2, L3, मीन डायमीटर ऑफ टेपर पिन एंड पिन हेड 0.5D, इनको अभी हम निकाल लेते हैं, बिकॉज दीज पैरामीटर्स विल नेवर चेंज, व्हाटएवर वी विल चेंज हम यहाँ पर ही चेंज करेंगे, कैपिटल D1, स्मॉल D1, कैपिटल B एंड स्मॉल A। तो मैंने R1 की वैल्यू भी निकाल ली है, R1, R2, L1, L2, L3, मीन डायमीटर ऑफ टेपर पिन और एंड पिन हेड, तो ये हमारे फिक्स हो गए। ये बाकी के जो 7 डायमीटर हैं ये फिक्स हो गए, 7 मेजरमेंट पैरामीटर सारे फिक्स हो गए। हमको सिर्फ अब डिज़ाइन में डेटा में हमको सिर्फ ये कैपिटल D1, स्मॉल D1, B और A की वैल्यू निकालना की ज़रूरत है, और इसी में हम जो भी वेरिएशंस है वो करेंगे। साइमल्टेनियसली 2D की वैल्यू भी फिक्स हो गई है, ये हम चेंज नहीं करेंगे, कैपिटल D1 की वैल्यू इज इक्वल टू 2D, ये भी फिक्स हो गई है। स्मॉल D1 वी में चेंज, और जब हम चेक करेंगे तो, और कैपिटल B और कैपिटल A को भी साइमल्टेनियसली जब हम डिज़ाइन डेटा बुक से चेक करेंगे तो हम उसको अपने सुविधा के अनुसार जो सेफ स्ट्रेसेस के अंदर है उसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। सो विल गो टू अवर नेक्स्ट सेकंड फेल्यूर ऑफ नकल पिन, वेयर वी विल सेट अवर डायमीटर स्मॉल D1। हमारा सेकंड फेल्यूर है शीयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन, दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू 2π/4 स्मॉल D1 स्क्वायर इंटू टाउ। ये देखिए शेयर फेल्यूर ऑफ नकल पिन 2π/4 स्मॉल D1 स्क्वायर इंटू टाउ।
यहाँ से हम डी वन की वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद डी वन इस डी वन की वैल्यू को हम इस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ नकल पिन दैट इज़ कैपिटल पी बाई टू बी बाई फोर ए बाई थ्री पाई बाई 32 स्मॉल डी वन स्क्वायर से ये हमारा चेक करेंगे ताकि ये सिग्मा टी इसके अंदर आए। तो देखिए मैंने ये सॉल्व करके रखा है, अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा शेयर फेल्योर ऑफ नकल पिन एज यूजुअल, जैसे मेरा मुझे डिज़ाइन डेटा बुक में दिया हुआ था ये फार्मूला मैंने लिखा। उसके बाद मैंने टाउ की वैल्यू निकाली, टाउ की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इसको निकाला और एंड फाइनल आंसर इज 39.788 एंड हैंड सेट इज सेफ बिकॉज हमारा जो टाउ है वो 40 न्यूटन पर मिलीमीटर से नीचे है। बट जब हम चेक करते हैं हमारे जो चेक दिया हुआ डिज़ाइन डेटा बुक में उससे ही हमें फाइनल वैल्यू मिलती है, तो उससे ही हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए